हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो। आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं दो कारण के वजह से बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कम्पिटिटिव या इंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 8, ठीक है। उसी तरह एक ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 15। उसी तरह एक सर्किल और ट्रायंगल, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 10। और ट्रायंगल और ये है स्टार, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 35। अब पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि स्टार इक्वल्स व्हाट, स्टार का क्या वैल्यू होगा ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आप आसानी से इसको सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन इसमें जो दो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इसको सॉल्व करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस सर्कल का वैल्यू 1 लेते हैं तो इस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8, और इस सर्कल का वैल्यू अगर 1 लेंगे यहाँ तो ट्राइंगल का वैल्यू हो जाएगा 10, और ट्राइंगल का अगर वैल्यू 10 हो जाएगा तो स्टार का वैल्यू होना चाहिए 3.5, लेकिन ऑप्शन में 3.5 नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा वैल्यू लेके देखते हैं। अब हम लोग इस सर्कल का वैल्यू ले लेते हैं 2, और स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ सर्कल का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो इस ट्रायंगल का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। और ट्रायंगल का वैल्यू यहाँ अगर 5 होगा तो स्टार का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 7, जो कि ऑप्शन में है, स्टार का वैल्यू 7। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 7, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस क्वेश्चन को बनाने में इस इक्वेशन का कोई काम ही नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ किया जाए और क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसलिए ऐसी चीज़ें क्वेश्चन में दी जाती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका वक्त भी बचेगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चन बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में आते हैं, नेत्रहाट में, सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए, या फिर जामिया में, AMU में, ओलंपियाड में, BHU में, इस तरह के बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंट्रेंस एग्ज़ाम्स CTET, स्टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इससे ये आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन को सिर्फ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। बाकी जो है सो ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस 10th लेवल बेस पे जो भी एंट्रेंस या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे एग्ज़ाम्स के लिए इतने ज़्यादा भारी क्वेश्चंस या इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।